नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। और डिजिटल ऑनलाइन कंपटीशन होने वाला है और आप सबका इसमें स्वागत है। आप कहीं से भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने से हैं, स्पेशली जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी चैनल को देखते हैं जो कि इंडिया से बाहर हैं, सऊदी में हैं, दुबई में हैं, दोहा में हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। इवन नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, या बोल सकते हैं कि किसी भी कंट्री से हैं, वो इस कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। कंपटीशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो कि आप लोग बहुत ही आसानी से इसमें पार्टिसिपेट कर सके। किसी भी प्रकार का इस तरीके से झंझट नहीं रखा गया है या करवाया गया है कि ताकि आप इसमें पार्ट ना ले पाए। आप सब लोग इसमें पार्ट ले सकते हैं। ये ग्लोब है, गोल ग्लोब है, तो किस भी कोने से हैं, किस भी कंट्री से हैं, आप इसमें पार्ट लीजिएगा। और मैं चाहूँगा जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं होटल मैनेजमेंट के अपने, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कोई भी कौमी हो, 3-2-1, किस भी कुजीन का हो, इंडियन हो, चाइनीज़ हो, थाई हो, तंदूर हो, ग्रेवी हो, किसी भी कुजीन का हो, हाउसवाइफ हो, शेफ़ लोग हो, चाहे वो DC DP हो, CDP हो, शू शेफ़ हो, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हो, किसी भी लेवल पे हो, या फिर आप हाउसवाइफ भी ना हो के जस्ट पैशनेट है कुकिंग के लिए कि भाई मुझे कुकिंग आती है और मैं चाहता हूँ भाई मैं किसी कंपटीशन में पार्ट लूँ, मुझे भी कोई अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, आप कुछ भी सोच लीजिए, आप इसमें पार्ट ले सकते हो। अब ये जो पूरा कंपटीशन है वो स्पॉन्सर करा है मेरे एक मेंटी ने, जिनका कि देहरादून बिग वे कैफ़े के नाम से देहरादून में उनका रेस्टोरेंट है, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं यहाँ पे चाहता तो मैं जो भी स्पॉन्सरशिप के जो भी प्राइजेज़ वगैरह हैं उनसे कुछ और भी कर सकते थे, बट मैंने ये अच्छा ज़्यादा सही समझा कि इन सब को उन स्टूडेंट्स के बीच में या जो भी पार्टिसिपेट करने के बाद जीतेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो प्राइजेज़ है मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे जो पहला प्राइज़ यहाँ पे है वो है शेफ़ यूनिफॉर्म मिलेगा, आप कहीं पे भी हो आपको मिल जाएगा वो। दूसरा शेफ़ नाइफ़ होगा कंपटीशन का जो प्राइज़ है। थर्ड यहाँ पे जो ई बुक्स हैं वो आप लोगों को दी जाएंगी, 2 ई बुक्स। और फोर्थ प्राइज़ यहाँ पे 1 ई बुक दी जाएगी। और जो ये पांचवा जो प्राइज़ होगा वो आपको देहरादून जो कैफ़े हैं वहाँ पे जाके आप 500 रुपीज़ का जो वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं, आप इसको एज अ फूड वाउचर भी बोल सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग है इस चैनल का, ये पहला कॉम्पिटिशन है, धीरे धीरे और भी स्पॉन्सरशिप मिलती जाएगी तो जो प्राइजेस की जो आप बोल सकते हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, जो आपकी कीमतें हैं वो भी बढ़ती जाएंगी और हम लोग और भी अच्छा करते जाएंगे। ये कॉम्पिटिशन है कम्प्लीटली फ्री है, किसी भी प्रकार का इसमें आपको चार्जेस पे नहीं करने हैं। इसके बाद जो इसमें जज हैं, जज आप लोगों ने देखा होगा मैंने पहले भी डाला था, एक तो मैं खुद ही जज हूँ, ठीक है जी, मैं भी इसमें आप लोगों को जजमेंट दूंगा। दूसरा शेफ़ संजीव जो कि शिप में हमारे कार्निवल क्रूजेज में CDP हैं, फिलहाल मेरे पुराने स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे साथ आपका मौजेक मसूरी में भी काम किया था, अपना जो अभी जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, जो शूट कर रहा था, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करें तो उन्होंने पूरा मेरा 1 वीक मेरे साथ थे, उन्होंने पूरी उसमें मेरी हेल्प करी, तो वो भी जज कर रहे हैं। इवन वो मेरे साथ गूगल में भी थे, बाकी जो भी जानते हैं सबको पता ही है संजीव के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे जो शेफ़ कंचन है, कंचन राज, जो कि द केक किचन की ऑनर फाउंडर हैं, वो भी इस कंपटीशन को जज करेगी। और शेफ़ प्रद्युम जो कि मेरिट्स पुणे के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, वो इनको जज करेंगे। तो ये 4 हम लोग जज हैं फिलहाल, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई मैं अकेला ना करूं, क्योंकि बहुत सारी मुझे बताए इसमें बहुत ज़्यादा माथापेची हो जाएगी, तो बाकी लोगों को भी मैंने इन्वॉल्व किया और मैं चाहता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, हमारी कम्युनिटी, सीखने वालों की कम्युनिटी बढ़ती जा रही है तो ये बढ़ती जाए। तो ये हमारे 4 जज हो गए। अब यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन की डेडलाइन है वो है हमारी 15 जनवरी। 15 जनवरी तक आप अपने चीज़ें भेज सकते हैं, कैसे भेजना मैं आपको भी बताऊँगा। बाकी 25 तारीख के बाद कभी भी हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे अपने प्राइजेस का या जो भी विनर है उनका। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब सबसे पहले मुश्किल होता है कि भाई मैं वीडियो शूट कैसे करूँगा, मेरे को लिखना नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में रेसिपी लिख के भेज दूँ, तो इन सब का झंझट नहीं करना है आपको। सिंपली आपको करना क्या है, मेरी इस वीडियो को, जो पर्टिकुलर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोगों को कर लेना है डाउनलोड। इसमें वीडियो के नीचे क्रिएटिव कॉमन है, इसे कोई भी डाउनलोड करके कहीं भी यूज़ कर सकता है, चाहे आप इसको इंस्टाग्राम पे देखेंगे, चाहे आप इसको फेसबुक में देखेंगे, लिंक्डइन में देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, आपको डाउनलोड करनी है। और सबसे पहले इस ही वीडियो को आपको आपके चैनल पे अपलोड कर लेना है, ठीक है जी, मेरी इस वीडियो को डाउनलोड करना है और सेम यही अपलोड कर लेना है। आपको जो टाइटल होता है, टाइटल में डिजिटल शेफ़ हब कंपटीशन लिखना है, मेरा नाम लिखना है, आप अपना नाम लिख सकते हैं और अपनी डिश का नाम लिख सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ आपको करनी है, तो आपको पहला काम तो यही करना है।
आपको इसको डाउनलोड कीजिएगा, और जो भी आपका यूट्यूब का चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल है, कहीं भी जिस भी माध्यम से आप इसको ऑनलाइन दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, क्योंकि मेन मकसद यही है कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं डिजिटली लोगों के सामने आ रहा हूँ, तो आपको भी आना है। आप लोग मतलब अपनी मेन यही है, क्योंकि अगर आप कोई डिश भी बना देते हैं और आप देश के किसी कोने में बैठे हैं, बिल्कुल छोटे से कस्बे में बैठे हैं कोलकाता के किसी, तो आपके बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा। अगर मैं आपके कॉम्पिटिशन की सारी चीज़ें अपने पास ही मंगा लेता हूँ, अपने पास ही रख लेता हूँ, और मैं जस्ट एक वीडियो में बोल देता हूँ कि आप विनर हो, तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी चीज़ों को करोड़ों लोगों तक पहुँचाना है, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करना होगा। दूसरा, वीडियोस के नीचे आप जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको अपना ईमेल आईडी जरूर देना है, ताकि आपको बाद में अप्रोच किया जा सके। फ़ोन नंबर मत डालिएगा, सिर्फ ईमेल आईडी डालिएगा, ताकि हम आपको ईमेल पे वहाँ पे आपको जो भी मेरी टीम है आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर पाए। इसके बाद आप कोई भी डिश बना सकते हैं, कुछ भी डिश बना लीजिए, किसी भी कुजीन की बना लीजिए, कोई कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट जब आप डिश बना लेते हैं और उसके बाद आपको एक वीडियो शूट करना है, वीडियो मिनिमम एक मिनट का तो होना ही चाहिए। एक मिनट का वीडियो के अंदर आपको क्या बोलना है, आपको कुकिंग जब आप कर रहे हो वो वीडियो शूट करना है, क्लियर, वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इसकी जब डिश रेडी हो जा रही है, उस डिश को लेके, उस डिश को पकड़ के, मान लीजिए मैंने ये डिश बना ली है, मेरे पास ये कोई डिश है, तो मुझे इस डिश को पकड़ के इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जब आपके पास डिश है, आपको सबसे पहले बताना है अपने बारे में, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपका नाम क्या है, आप किस सिटी से हैं। अगर आप चाहें किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, किसी होटल में काम कर रहे हैं, किसी कॉलेज में हैं, या कोई हाउस वाइफ है, तो जो भी चाहे आप अपने बारे में बता सकते हैं, पर क्लियरली बताइएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम धीरज है और मैं डिजिटल शेफ हब के कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ, इस तरीके से आप सिंपली बता सकते हैं। उसके बाद आपने जो उसके अंदर कुकिंग मेथड यूज़ करे हैं, आपने कुकिंग मेथड हो सकता है कि बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, ये सारा कुछ यूज़ किया होगा, कुछ ना कुछ तो आपने यूज़ किया ही होगा, चाहे आप इंडियन कुजीन कर ले, चाइनीज़, कोई सी भी कुजीन कर ले। तो यहाँ पे एटलीस्ट तीन कुकिंग मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है कि उसके अंदर क्या है। और यहाँ जो भी आप डिश बना रहे हैं उसमें एटलीस्ट चार कलर विजिबल होने चाहिए। अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल का एक कलर हो गया, उसके साथ आपको सलाद भी देना पड़ेगा, रोटियां भी देनी पड़ेंगी या कुछ भी, तो एक प्लेट के अंदर आपके चार कलर विजिबल होने चाहिए, सिर्फ यही है। उसके बाद आप उस डिश के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं, अगर आपको पता है वो किस कंट्री से रिलेट करता है वो बता दीजिए, और उसके पीछे कोई कहानी है, स्टोरी है, या आपकी खुद की कुछ स्टोरी आप बता सकते हैं। तो सिंपली रखा गया है, ये नहीं कि आपको कुकिंग वीडियो शूट करना है, क्योंकि कुकिंग वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सारी की सारी चीज़ें हों और आप के अंदर जो कला है, क्योंकि पहली बार में कला कभी बाहर नहीं आने वाली है, उस कला को बाहर लाने के लिए भी बहुत समय लगता है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोज़ कैसी होती थी, अब कैसी होती हैं, तो वो सब चीज़ों में टाइम लगता है, और उसके बाद इसको आपको आपके चैनल पर अपलोड कर देना है। ठीक है जी, दोबारा से बता देता हूँ, पहली तो मेरी जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसको डाउनलोड करके आपको अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, जिस भी माध्यम से देख रहे हो वहाँ अपलोड करना है, और सेम उसके बाद आपको एक वीडियो शूट करनी है जिसके में आप एक कोई भी एक पर्टिकुलर डिश बना के उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ साथ उसमें आपको डिजिटल शेफ ऑफ का नाम भी लेना है, मेरा नाम भी लेना है, ताकि मेरे को पता चले कि आपने अपलोड करी है। आपको अपनी डिश का नाम लेना है, कोई भी तीन कुकिंग मेथड आपने जो उसमें यूज़ करें वो बताने, साथ साथ कोई भी चार कलर उसके अंदर दिखने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी कॉमन होनी चाहिए, और आपको आपके चैनल पे अपलोड कर देना है। उसके बाद इस वीडियो के अंदर नीचे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप के अंदर आपको वो दोनों वीडियो शेयर करनी है। जब आप दोनों वीडियो शेयर करेंगे तब जाके आप एलिजिबल होंगे उस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो अपलोड कर देते हैं या अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, आपको उस ग्रुप के अंदर वो दोनों वीडियो अपलोड करनी है, और उससे पहले आपको अपने चैनल्स पे करनी है। तो सिंपल यही करना है। उसके बाद जो भी जजेस होंगे, उस जब आप ये सारी चीज़ें हो जाएंगी 15 तारीख के बाद उस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, और उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर जाके ईजिली देख पाएंगे, और उसके बाद हम लोग अपने जजमेंट के अनुसार आप लोगों को आपके जो विनर्स हैं उनके नाम वहाँ पर बता देंगे। यहाँ पे जो भी जजमेंट होगी वो सारी की सारी वर्चुअली होगी, आप लोगों को जो पर्सनल नंबर मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा जो भी जजेस वगैरह होते हैं, बाकी जो भी क्राइटेरियाज हो गए वो मैंने आपको बता दिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकायदा यहाँ पे जो जजेस हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, जस्ट ये पहला कॉम्पिटिशन है, और आप लोगों को इस तरीके के कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं।
हम लोग चाहते तो इसको कुछ आप बोल सकते हैं कि एक एंट्री फीस वगैरह लेके रख सकते थे, पर वो सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी कोने से किसी भी देश से है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उनको करे। बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों इस चीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि डिजिटल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, समय की मांग हो गई है। आप लोग ने देखा होगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये अच्छा करें। उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे, ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे और बस फिर बहुत कुछ करेंगे। जय हिंद।